चाय बना के लाती हैं, चाय पीने को मन नहीं कर रहा। कभी ना पीऊं इसके हाथ की चाय। जब आती है जली कटी सुना के चली जाती है। मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। भाभी तुम क्यों आ गई? चाय तो मैं ला रही थी। छोटी नंद बैठी रहे और बड़ी भाभी काम करे, अच्छा लगेगा क्या? तंज कर रही हो? मेरी क्या मजाल कि मैं आप पे तंज करूं। आप सकीना भाभी की बातों का बुरा मत बनाएगा। तुम्हारा दिल गुर्दा है जो तुम इस मिजाज की और के साथ इतने सालों से रह रही हो। नहीं वो दिल की बुरी नहीं है। हाँ, सारी बुराई मुंह पे जो आ जाती है तो दिल में क्यों बुराई रही? पता नहीं क्यों पर खास है इनको मुझसे। जब भी आती हूँ जली कट्टी सुनाती है। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है यहाँ आना ही छोड़ दो। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप उनकी वजह से सारे खानदान से मिलना जुलना छोड़ देंगी? कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे जलती है मुझसे। देखा नहीं मेरे राय में झुमकों पर भी नाक भौं चढ़ा रही थी। अब छोड़ें इस बात को, कोई और बात करें। हसन कब पहुंच रहा है? जुमेरात को इंशाल्लाह। उसका तो ये आखिरी साल है ना? बस अगले साल अपाची का ख्वाब पूरा हो जाएगा। हाँ, बहुत अरमान था उन्हें कि हसन अपने बाप की तरह इंजीनियर बने और तुम अपने ससुराल वालों को दिखा सको कि तुम उनकी मदद के बगैर भी इतना बड़ा काम कर सकती हो। ऐसे बात ज्यादा की ना तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे साथ। बजाय अपने भाई की बेवा को जायदाद में से हिस्सा देते, हाँ, सारी जायदाद ही हथिया ली। छोड़िए भाभी, मैं भूल चुकी हूँ सब कुछ, आप भी भूल जाइए। सालिया, माशाल्लाह, बानू पे तो बड़ा रूप चढ़ा है। हाँ माशाल्लाह, 2-3 रिश्ते भी आए। मैं तो सोच रही हूँ सलीम की शादी करते ही इसकी बात भी पक्की कर दूँ। आए तो क्या वो आगे नहीं पढ़ेगी? 10 जमातें पास कर चुकी है कामली, काफी है। हाँ मैंने भी यही कहा था, लेकिन सावित्री और उसके अब्बा पीछे पड़ गए कि जब तक एफए पास नहीं करेगी शादी नहीं करनी इसकी। पता है बानो भी यही चाह रही थी, लेकिन भाई मैंने तो साफ साफ मना कर दिया कि नहीं बेटा, घर बैठो, घरदारी सीखो, जहेज बनाओ। आजकल मसहरी की चादर काट रही है, बहुत अच्छा टांका है माशाल्लाह। बानो है भी बहुत सुगढ़, मेरी सावित्री को तो सुई में धागा तक डालना नहीं आता। कामली कैसी बातें करती हो, अच्छी भली तो है हमारी सावित्री। पिछले दिनों उसने वो आलू की भुजिया बनाई थी, इतनी लजीज। अपने पति को हर वक्त बस आलू की भुजिया पका के खिलाती रहेगी। कामनी तुम तो उसके पीछे ही पड़ गई हो बेचारी के। अच्छा उसे छोड़ो, ये बताओ तुमने परी का जोड़ा देखा? हाँ देखा, बहुत खूबसूरत। अच्छा मैं तो सुरैया के घर भी गई थी। अच्छा जेवर बन के आ गया सारा, इतना दिया उन्होंने, इतना दिया है कि मैं तो देख के हैरान ही रह गई। और देखो मैंने रशीदा को मना किया था कि तकल्लुफ बिल्कुल मत करना, हम कौन से गैर हैं। बहुत इज्जतदार लोग हैं वो, ये बर्दाश्त थोड़ी करेंगे कि लोग कहें कि सुरैया बिन माँ बाप की थी तो भाइयों ने कुछ नहीं दिया। और रशीदा ने तो उफ मत पूछो, अपना सबसे कीमती हार तोहफे में दे दिया। हाँ वैसे रशीदा है बड़ी हिम्मत और नाक वाली औरत। जब से बेचारी बेवा होकर आई है उस घर का सारा बीड़ा उसी ने तो उठा लिया है। सुरैया को अपनी बहन कम और बेटी ज्यादा समझती। ऐसे भी सुरैया हसन की हम उम्र ही तो है। हाँ तो हसन भी तो उसे मौसी कम और बहन ज्यादा समझता है।